केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार नितिन गडकरी ने प्रदेश के लिए NHAI की 7,477 करोड़ की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के NXC भवन से ऑनलाइन शामिल हुए, जिसमें कुल 8 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 7 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 1 कार्य का शुभारम्भ शामिल है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया उसमें गोरखपुर बाईपास जंगल कोड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग से कालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग तक का 4-लेन निर्माण जिसकी लागत 866 करोड़ तथा लंबाई 17.66 किलोमीटर है का लोकार्पण तथा गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग सिकरीगंज और गोला के बीच में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जिसकी लागत 33,52,00,000 तथा लंबाई 9 किलोमीटर है का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश मजबूत कनेक्टिविटी से विकास के पथ पर अग्रसर है, प्रदेश की तस्वीर बदल रही है तथा प्रदेश में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। सड़कों के विस्तारीकरण से प्रदेश में उद्योग एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के विकास के लिए और राजमार्गों को बेहतर करने की दिशा में 16 परियोजनाओं जिसकी लागत 7,477 करोड़ तथा लंबाई 505 किलोमीटर है का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास से देश का कोई भी जनपद का भूभाग ऐसा नहीं है जहां सड़क परिवहन ना पहुंचा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 65 वर्षों में जितने राजमार्ग बने उससे अधिक 6 वर्षों में बने हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर कार्य की एक नई गति दिखाई दे रही है, अच्छे राजमार्ग विकास एवं अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। राजमार्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने का अच्छा माध्यम है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सड़क विकास काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, संगीता यादव सहित अन्य विधायक, जनप्रतिनिधि सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, अब आने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं माननीय श्री नितिन गडकरी अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करना चाहूँगा सर। अनुमति, थैंक यू सर। बहुत बहुत आई के पांडे महानिदेशक सड़क विकास एवं विशेष सचिव मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत संबोधन करें। मुख्यमंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री VK सिंह जी, माननीय उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के 8 कार्यों के लोकार्पण एवं 8 कार्यों के शिलान्यास व कार्य शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का गर्व जो 47 किलोमीटर थी वह वर्तमान में बढ़कर 11,379 किलोमीटर हो गई है। इसे सुगम होगा एवं संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सभी गणमान्य अतिथियों एवं उत्तर प्रदेश के लोगों का तथा मीडिया के लोगों की ओर से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रदेश को और हमारे प्रयागराज को अब जो दिया है उसके लिए प्रदेश और प्रयागराज सदैव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और आपकी जो जो स्नेह और कृपा रही है उसके लिए रेडी रहेगा। काम लेना संभव नहीं, मैं जानता हूँ दिल्ली से कार्यक्रम है और सभी हमारे इस क्षेत्र की जनता और सभी जनप्रतिनिधिगण और तमाम पार्टी से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको आप विशाल सौगात जो भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से या दी गई है जिसका शुभारंभ
यहाँ पर होने जा रहा है उसके लिए बाजारी की व्यवस्था होगी। जो आज इस समारोह के अंदर उपस्थित हुए हैं सभी अधिकारीगण, जो केंद्र से और प्रदेश से जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, आज बहुत शुभ दिन है, जबकि 16 योजनाओं का या तो लोकार्पण हो रहा है या उनका शिलान्यास हो रहा है और एक कार्य ऐसा है जिसका शुभारंभ हो रहा है। सड़क परिवहन राजमार्ग शोक संपर्क मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री और यशस्वी नेता माननीय श्री नितिन गडकरी जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर चंद्र बीके सिंह जी, शासन के मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री जी के जी, गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी, माननीय विधायक श्री भय बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्रीमती संजीता यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के माननीय सांसदगण, प्रदेश शासन के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित विभिन्न समारोह में प्रदेश के हमारे सभी उपस्थित भाई बहनों, मैं सबसे पहले सड़क परिवहन राजमार्ग अशोक सुंदर माध्यम उद्यम विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज का समय उन्होंने कोरोना काल में भी प्रदेश के राजमार्गों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में जो प्रयास विगत 6 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया है, आज उसकी एक झलक 7,477 करोड़ की परियोजनाओं का 505 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को या प्रदेश की जनता को उन्होंने अभी समर्पित किया है। मैं इसके लिए उनका और विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दायित्व दिया और सब व्यक्तित्व ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से देश के अंदर का चमत्कार करके दिखाया। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा हो। एक बहुत बड़ा कार्य
विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ तो यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का, माननीय जनरल वी के सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश के अंदर कार्य एक नई गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद है जब माननीय गडकरी जी ने गोरखपुर के अपने पहले विजिट में वे आए थे, हमारे एक बाईपास निर्माण कार्य का उस समय आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद वह कार्य समय से स्वीकृत हुआ और आज पूरा होने के साथ ही गोरखपुर की ट्रैफिक की बैकबोन बनते हुए उस राजकोष बाईपास के शुभारंभ का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए विशेष रूप से यहाँ की जनता की ओर से स्वयं गोरखपुर में उपस्थित हूँ, उनकी ओर से उन्हें गडकरी जी को और जनरल वी के सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक साथ प्रदेश की 16 परियोजनाएं या तो लोकार्पित हो रही हैं या उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास को एक नई गति नहीं मिल सकती है। 6 राजमार्ग विकास की और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी बन सकते हैं और ये 6 राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आज मेरठ से बुलंदशहर राजमार्ग संख्या 235 का 4 लेन चौड़ीकरण, गोरखपुर बाईपास जंगलकोड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से कालेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 तक का 4 लेन के निर्माण कार्य का शुभारंभ, महोबा एवं बांदा जनपद के अंतर्गत गरवाई से बांदा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, चित्रकूट एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत मऊ से जसराखंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण और उन्नयन का कार्य, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज बाईपास खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 के 4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के बंटी से कटैया चौरा चौक खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, बैराइच एवं श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत बैराइच से श्रावस्ती खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, कानपुर जनपद के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के लेवल क्रॉसिंग संख्या 79D सीडीओ क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण का कार्य, ये कार्य लोकार्पित आज प्रदेश की जनता को जहां आज अभी संपन्न हुए हैं वहीं साथ ही साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें इटावा एवं औरैया जनपद के अंतर्गत वर्धना चौक इटावा से गोरखपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91A के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक के मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, सोनभद्र जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के मध्य उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक सुदृढ़ीकरण का कार्य, मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रमनगंज से हलिया मार्ग तक
चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 सी के रामपुर से बड़ेरा से तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य जनपद गोरखपुर में सीकरी गंज गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227 सी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जनपद कुशीनगर में टमकही राज और कपूरमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य यहाँ पर एक कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। हापामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु बने सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य 8 परियोजनाओं की पूर्ण हो जाने से उत्तर प्रदेश की जनमानस को जहाँ इससे काफी राहत होगी और आवागमन में जहाँ सुविधा होने जा रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे जनपद सिद्धार्थ नगर, जनपद बलरामपुर, जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच, इनके विकास को चित्रकूट जनपद, ये सभी एस्पिरेशनल जनपद हैं। सोनभद्र जनपद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग ने जिन देश के अंदर 115 जनपदों को आकांक्षात्मक जनपद बनाया है, सभी आकांक्षात्मक जनपदों के जो 6 पैरामीटर तैयार किए गए हैं उनमें उन्हें आगे बढ़ने में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से काफी मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है, आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की दृष्टि से जो परियोजनाएं आई हैं राम वनगमन मार्ग की दृष्टि से, ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी का, डॉक्टर जनरल बीके सिंह जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कभी हम लोगों ने इस बारे में मैंने एक बैठक राजस्व विभाग के साथ में अन्य विभागों के साथ लेकर के इस बारे में स्पष्ट किया है कि जहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं अगर वहाँ पर ग्राम पंचायत की भूमि है तो हमें निःशुल्क इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क देने की कोई भी व्यवस्था की मांग इसके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, जिससे क्योंकि राजमार्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, इसलिए इस पर हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हम अपने जो जुड़े हुए मामले हैं इन सभी कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मांग की है। मेरे राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI से जुड़े हमारे जो अधिकारीगण हैं मेरा उनसे आग्रह होगा कि खासतौर पर कुछ मार्गों के बारे में हमें चिंता करनी होगी, जिसमें वाराणसी से गोरखपुर राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण के बारे में, इसके बारे में अगर हम समय से चिंता करके इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें तो यही राजमार्ग नेपाल को भी भारत के साथ जोड़ता है। इसी प्रकार से अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी तक के राजमार्ग की कार्रवाई यदि समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकेगा तो जो जिस तीव्र गति से विगत 6 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में एक नई गति पकड़ी है, ये कार्यक्रम उसी तीव्रता के साथ आम जन के विश्वास के प्रति बनेंगे। एक बार विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि माननीय गडकरी जी के एक लंबे अनुभव का लाभ आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को के माध्यम से पूरे देश को प्राप्त हो रहा है और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के लिए रोजगार के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में भी एक मार्गदर्शन उनका हरेक स्तर पर प्राप्त हो रहा है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं एक बार फिर से आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का, राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी माननीय
जनप्रतिनिधियों को, हमारे माननीय सांसदगण आज इस कार्यक्रम में बढ़कर जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं और माननीय विधायकगण हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास की प्रक्रिया को हम सभी रुचि लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे तेजी से साकार कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। उत्तर प्रदेश जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास युगों से संसार को विस्मित और अलौकिक करता आया है, पवित्र नदियां, पवित्रतम धार्मिक आस्था के केंद्र और यहाँ के लोगों की जीवटता स्वयं में अनूठी मिसाल है। उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों का जाल बिछाया गया है, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली बागपत शामली सहारनपुर मेरठ करनाल, पानीपत शामली मुजफ्फरनगर मेरठ बागपत मेरठ नजीबाबाद, लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी, कानपुर प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी रिंग रोड एमपी बॉर्डर वाराणसी, वाराणसी अम्बेडकर नगर, वाराणसी गोरखपुर इत्यादि और भी बहुत सी योजनाओं की डीपीआर बन रही है। आज 7,476.57 करोड़ रुपए लागत से 504.32 किलोमीटर लंबी सड़क व सेतु की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। आज घंटे पर कानपुर चंद्र में 790 मीटर लेवल क्रॉसिंग संख्या 79 पर आरोपी NL 730 पर ही बहराइच और श्रावस्ती जनपद में 61.90 किलोमीटर लंबे बहराइच से श्रावस्ती खंड तक की लंबी सड़कें जनता को समर्पित हो रही है। आज ही अनेक सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है, जिनमें शामिल है NH91 एफल टावर शहर में भरधना से गोरखपुर मार्ग 40 किलोमीटर, गोरखपुर में NH227 से गोला के बीच 9 किलोमीटर, कुशीनगर में NH730 के तालुकों की राज से पटरौना के बीच 19 किलोमीटर, मिर्जापुर में NH135 सी के ब्रह्मांडगंज से हलिया तक 18.40 किलोमीटर, प्रयागराज में NH135 सी पर ही रामपुरा से अडेवरा तक 15 किलोमीटर, सोनभद्र में NH75 पर MP-UP बॉर्डर से यूपी झारखंड बॉर्डर तक 92.02 किलोमीटर में दो कार्य। इसके साथ ही प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 पर फाफा गाँव में गंगा नदी पर बने सेतु के समानांतर नए 6 लेन सेतु के निर्माण के कार्य शुभारंभ की घोषणा की जा रही है। इन परियोजनाओं से ईंधन की भी बचत होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, व्यवसाय और रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास होगा। यही कारण है कि इन उन्नति के रास्तों का उल्लास आज जनता की मुस्कान में महसूस किया जा सकता है। भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण और भाई और बहन, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का एक नई दृष्टि, एक नई विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सफल, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने का जो योगी जी का और केशव जी का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और वो पूरा होते हुए दिखा और इस सपने को सहयोग करने का काम भारत सरकार का भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे सभी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से भी हम इस प्रकार के सभी काम लगभग गति से कर रहे हैं। अंदाज
वजन मैंने हिसाब लगाया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के काम करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। लगभग हम उसके ओर पहुंच रहे, कुछ काम शुरू हुए हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ का लोकार्पण हो रहा और कुछ शुरू होने वाले जो है उसका तो अभी तक मैंने हिसाब नहीं खोला है। पर मेरा विश्वास है कि इन सब कामों के कारण उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, खेती को इसका फायदा होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और उत्तर प्रदेश सुखी समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे ऑफिस में अपने टेबल के पीछे लिख कर रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई है और इसलिए उत्तर प्रदेश को भी एक संपन्न राज्य बनाने के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें अगर ठीक प्रकार से विकसित होगी तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और मुझे खुशी है कि मैं जब शिपिंग और इनलाइन वाटरवेज का मंत्री था तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं रख रहा था, किसी को विश्वास नहीं था कि ये काम हो सकता है, पर आप सबके सहयोग से, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से हमने प्रयागराज से लेकर हल्दिया जलमार्ग का काम पूरा किया है। ये प्लेन पानी पे भी उतर सकता है और जमीन पर ऐसे भी उतर सकता है। मैं योगी जी को विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लिए, वाराणसी के लिए और गंगा के किनारे पर जो अनेक शहर हैं उनके लिए आप सी प्लेन की शुरुआत करिए और इसमें निश्चित रूप से मैं सहयोग करूँगा ताकि हमारे प्रयागराज से, वाराणसी से सांसद पानी से उड़कर तुरंत दिल्ली आ सकेंगे। अब कैसा होगा इसमें निश्चित रूप से थोड़ा सहयोग आपको करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरा एक सपना है कि वाराणसी से पानी से उड़कर दिल्ली आए, मुंबई तक जाए और अपने सपना आपको कोई कठिन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में यह लगातार अलग अलग प्रकार के विकास से ही, चौथे विकास से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी, आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और रोजगार भी निर्माण होगा। आज करीब 302 किलोमीटर के 8 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है जो 5,000 करोड़ है। उसमें मेरठ से बुलंदशहर ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसमें 2,500 करोड़ रुपये खर्चा हुए हैं। ये मार्ग जो है इसमें पहले मेरठ से बुलंदशहर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब केवल 40 मिनट में हम पहुंच सकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सहयोग से मेरठ से दिल्ली ये एक्सप्रेस हाईवे का मार्ग का काम लगभग पूरा कर दिया है, जनवरी में ये पूरा होगा। और रेलवे के 2 ब्रिजेस के कारण केवल थोड़ा सा अटका हुआ है। कल ही मैंने जब रिव्यू किया है तो जनरल वीके सिंह साहब को अनुरोध किया है कि ये 2 का काम 2-3-4 महीने के अंदर कैसे हो, इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दो ताकि आने वाले फरवरी मार्च में हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण कर सकेंगे। और ये अगर हमने कर दिया तो मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते हैं तो 45 से 50 मिनट में लोग आ जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज बुलंदशहर से अलीगढ़, आगरा सब जाने जाने वाले का समय भी इस पर बड़े बचेगा और गढ़मुक्तेश्वर से जाने वाले लोगों की जो यात्रा है वो भी सुगम हो जाएगी। और इस परियोजना के निर्माण से पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली के निवासियों के लिए भी लाभ होगा और सुविधा प्रदान होगी। छापोड़, गुलावटी, खरपोदा, पटुदा के बाईपास का भी निर्माण हमने इसमें किया है और जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। और इस मार्ग के बनने से हापुड़ मेरठ बुलंदशहर के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जो योगी जी, मैं पहली बार जब गोरखपुर आया था तो आपके ही अनुरोध पर मैंने गोरखपुर बाईपास का भी घोषणा की थी और उसमें से जंगल कोडिया से कालेसर तक का 4 लेन का चौड़ीकरण, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। 18 किलोमीटर 866 करोड़ का ये रोड है और इसमें बौद्ध सर्किट का भी हम 4,500 करोड़ के रोड बना रहे हैं और ये भी काम अब लगभग काफी हुआ है। और इसमें बौद्ध सर्किट में कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी जाने वाले पर्यटकों को एक सीधा रास्ता मिलेगा।
गोरखपुर के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में सुविधा होगी और उत्तर प्रदेश से बिहार और नेपाल आने जाने में कुछ सुविधा मिलेगी तथा ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। योगी जी गोरखपुर के हैं और गोरखपुर का काफ़ी बड़े प्रमाण पर विकास करने का उनका एक संकल्प है और वह क्षेत्र भी बदल रहा है और इसमें निश्चित रूप से ये रोड बनाने से गोरखपुर के विकास में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और जो योगी जी के कारण ही ये निर्माण हो पाया है इसलिए उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। कवरेज से बांधा ये टू लेन क्लोजर 37 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस मार्ग के बनने से लोगों को झांसी और प्रयागराज का सफर उससे आसान होगा और ये भी 2018 में काम शुरू हुआ और निर्धारित समय पर पूरा हुआ है। कुल पहाड़ महोबा के बीच 150 करोड़ के लागत से 30 किलोमीटर मार्ग का एक दो लेन पे शोल्डर पर बनाया जा रहा है, इससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मऊ से दसरा जो टू लेन पे शोल्डर है 54 किलोमीटर का 225 करोड़ का यह भी बुंदेलखंड का हिस्सा है और इस सड़क से भी पिछड़े क्षेत्र का जो है बुंदेलखंड का विकास ये योगी जी की प्राथमिकता है और मैं भी पिछड़े हुए क्षेत्र को विशेष ध्यान दे रहा हूँ, उससे इसका बहुत फायदा मिलेगा मैं चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि जब अच्छी चीज़ बनती है तो दुनिया के लोग उसको ये करते हैं। अभी मैंने नागपुर में मेट्रो के इसमें नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा ब्रिज बनाया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन था, पहली बार देश में बना, पर ये इसके फोटो वर्ल्ड में जा रहे हैं और दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं, देखने के लिए आने लगे हैं और इसलिए मेरा विश्वास है कि ये पोकोमो पुल का भी हम ऐसा सौंदर्यीकरण करेंगे कि मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि एक सुंदर पुल बनेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके दोनों बाजू में पर्यटन के हिसाब से कोई जगह देकर वहाँ रोड साइड एमिनिटीज और कुछ हो सकता है तो देखिए। बीच में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गोवा में जुआरी पर मैं एक करीब 4,000 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूँ और उस ब्रिज में ऐसा ही केबल स्ट्रीट है केशव जी, मैंने उसको दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाई है और ऊपर में व्यूअर्स गैलरी बना रहा हूँ जैसा एफिल टावर पेरिस में है वैसा उसका होगा और गोवा में आने वाले लाखों टूरिस्ट रोज वो कैप्सूल लिफ्ट में बैठकर व्यूअर गैलरी में जाएंगे और उसके दोनों बाजू में बड़ा रोड से एमिनिटीज रेस्टोरेंट होंगे और वर्ल्ड के आकर्षण का वो केंद्र बनेगा। आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए कि इसके ऊपर व्यूअर की गैलरी बनाकर कैप्सूल लिफ्ट से हम लोग या नदी से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर हम लोग वहाँ व्यूअर गैलरी से पूरा प्रयागराज देख सकेंगे और इसलिए वो एक सौंदर्य में भी और आकर्षण में भी एक आएगा। तो जरूर आप इसमें आइए, आपके सहयोग से इसमें जरूर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करूँगा। राय ये पुल से लाजपत राय मार्ग और स्टेनली मार्ग के जंक्शन पर चौराहे के द्वारा शहर में यातायात का फैलाव भी सुनिश्चित करेगी। लखनऊ रायबरेली फैजाबाद कानपुर प्रतापगढ़ एवं वाराणसी का आवागमन भी सुगम होगा। 1 किलोमीटर है ये 327 करोड़ का सितंबर 2021 में पूरा होगा। हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद 6 लेन ये 100 किलोमीटर का 2100 करोड़ का ये नवंबर 2021 करोड़ का है 2021 करोड़ का है। 40,000 करोड़ के काम तो आने वाले 2 महीने में पूरे करेंगे और फिर से एक बार आपके हाथ से उसका उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली सहारनपुर का जो मार्ग है वो 4400 करोड़ रुपए का है, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है और मैं आज घोषणा करता हूँ कि ये मार्ग इसका काम निश्चित रूप से आने वाले 2 महीने में शुरू होगा। ये रास्ता बहुत खराब है, इसमें पहले यूपी के पुरानी सरकार ने एक बीओटी में दिया था, काफी झंझटी थी। सत्यपाल सिंह जो सांसद है उन्होंने बहुत बार इसके लिए मुझे कहा, वही उनके कारण ही ये हुआ है और ये मार्ग पिछड़े क्षेत्र से गुजरेगा। ये भारतमाला कॉरिडोर का हिस्सा है, इसकी कीमत करीब 4,500 करोड़ रुपए है। अक्षरधाम बागपत शामली सहारनपुर गणेशपुर से ये डेहराडून जुड़ेगा तो इस मार्ग का काम 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। नए बागढ़ का सुदृढ़ीकरण भी है, पीलीभीत से मजोला सुदृढ़ीकरण का कार्य भी है, मेरठ गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य है। कोई अड़चन नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके और केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में कम से कम आने वाले 3-4 साल में उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पूरी बदल जाएगी और गंगा का वाटरवेज पूरा बन गया है। प्रभु रामचंद्र का मंदिर निर्माण का मार्ग कार्य तो हुआ और आप उसको जिस प्रकार से कर रहे हैं और रोड बनाने के बाद 2 करोड़ रुपए एकड़ होते यही लोग सब जमीन खरीदते हैं।